सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूँ और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हार्ट हेल्थ के बारे में। रिसेंटली कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसके बाद लोग चिंतित हैं अपनी हार्ट हेल्थ को लेके। मुझसे जिम में बहुत सारे लोगों ने यह सवाल किया कि भैया क्या प्रोटीन पीने से और एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। एक फिटनेस एक्सपर्ट होने के नाते मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूं कि प्रोटीन पीने से और एक्सरसाइज करने से आपको हार्ट अटैक नहीं होता, पर हार्ट हेल्थ इफेक्ट होने के बहुत सारे अदर रीजन हो सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आपकी हार्ट हेल्थ इफेक्ट हो सकती है और आप उससे कैसे बच सकते हो और अपने हार्ट को हेल्दी बनाए रख सकते हो। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स क्विकली डिस्कस कि हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है। हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में सप्लाई करता है उनके बेटर फंक्शन के लिए, और ये सब होता है थ्रू द आर्टरीज। बट कुछ कारणों की वजह से हमारी आर्टरीज में फैटी डिपॉजिट इकट्ठे होने लगते हैं, जिसको आप प्लाग भी बोलते हो, जिससे आपकी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक होने लगती हैं। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से प्लाग फॉर्म होता है। फर्स्ट रीजन है हाई कोलेस्ट्रॉल। जब आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल मींस एलडीएल की मात्रा बढ़ जाती है तो आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये होता है पुअर लाइफस्टाइल की वजह से। तो अगर आपको अपने हार्ट को हेल्दी बनाए रखना है तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना पड़ेगा। तीन तरह के फैट होते हैं, ट्रांस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ट्रांस फैट आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में जिम्मेदार होते हैं और आपके हार्ट के लिए बहुत ही खतरनाक। जितने भी आप प्रोसेस्ड फास्ट फूड खाते हो या फिर आपके घरों में जो भी रिफाइंड ऑयल यूज होता है, उन सब में ट्रांस फैट होता है। तो अगर आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हो तो इन सबको खाना बंद करें। अब बात करते हैं सैचुरेटेड फैट की, जो आपको मिलता है दूध, घी, पनीर, कोकोनट ऑयल, रेड मीट एक्सेट्रा में। और अगर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना है तो सैचुरेटेड फैट को मॉडरेशन में ही खाएं। एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट योर हार्ट हेल्थ तो अनसैचुरेटेड फैट को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, मींस गुड फैट को। ये आपके सिस्टम में से ब्लॉकेज को रिमूव करता है और आपके हार्ट को हेल्दी बनाता है। गुड फैट के लिए आप खा सकते हो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स, फैटी फिश एक्सेट्रा। सेकेंड रीजन जिससे कि आपको हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ सकता है वो है हाई बीपी मींस हाइपरटेंशन। इसलिए आपको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आप शुगर एंड सोडियम इंटेक को कम करें, अपनी डाइट में से रिफाइंड कार्ब्स को हटाएं, पोटेशियम रिच फूड खाएं, अच्छी नींद लें और दिन भर में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें अगर आपको अपने हार्ट को हेल्दी बनाए रखना है। नेक्स्ट रीजन हार्ट इश्यूज होने का है स्ट्रेस, जो कि आजकल हम सभी की लाइफ में बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हम सभी लोग बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चिंताएं करते हैं, हर काम को बहुत हरी में जल्दी में करने की कोशिश करते हैं और इन सभी से हमारे हार्ट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आपको अपने माइंड को काम और रिलैक्स रखना चाहिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेडिटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। इसीलिए दिन में कम से कम एक बार आप 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने की कोशिश जरूर करें। एक और वजह हार्ट प्रॉब्लम होने की होती है मोटापा मींस ओबेसिटी। जैसे जैसे आपके शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बॉडी फैट को कंट्रोल में रखना, जिसके लिए नियमित रूप से वर्कआउट करें,
अच्छा खान पीन का चयन करें। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी कमर नहीं बढ़नी चाहिए, तो एक इंची टेप लेके अपनी कमर मेजर करते रहें, क्योंकि अगर आपकी कमर का साइज बढ़ा तो आपको हार्ट अटैक होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। फिफ्थ रीजन हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ने का है स्मोकिंग। जो लोग स्मोक करते हैं उनको हार्ट अटैक होने का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है उनके कंपैरेटिवली जो स्मोक नहीं करते, क्योंकि स्मोकिंग करने से ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं कि अगर आपको अपने हार्ट अटैक के रिस्क को कम करना है तो प्लीज क्विट स्मोकिंग। इसको छोड़ना पूरी तरीके से संभव है। और हाँ, जब आप स्मोकिंग करना बंद कर देते हो तो आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत बेटर हो जाती है। सिक्स्थ रीजन जिस पे मैं आप सभी लोगों का ध्यान डालना चाहूंगा और जो कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वो है डायबिटीज। तो जो लोग डायबिटिक हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान रखें। सबसे पहले तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से मेडिकेशन जरूर लें और टाइम टू टाइम अपने ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करते रहें। अपने कार्ब इंटेक को मैनेज करें, दिन भर में खूब सारा पानी पिएं, मींस हाइड्रेटेड रहें, और अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फाइबर खाने की कोशिश करें। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को अपने दिन का हिस्सा जरूर बनाएं। इसके अलावा भी कुछ रीजन है लाइक फैमिली हिस्ट्री, जेंडर, एज, जिस पे आपका बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, बट वीडियो में मैंने जो 6 रीजन आपको बताए हैं अगर आप उन पे ध्यान दोगे तो आपको डेफिनेटली हार्ट अटैक होने के चांसेस घट जाएंगे। अब वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2 ऐसी ड्रिंक जिनको आप अगर कंज्यूम करोगे तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। फर्स्ट ड्रिंक जो कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो है वीट ग्रास शॉट। सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक आप 30 ml वीट ग्रास शॉट जरूर पिएं और धीरे धीरे आप इसको 60 ml तक लेके जा सकते हो। वीट ग्रास शॉट आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करेगा और आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बेटर कर देगा। इसीलिए वीट ग्रास शॉट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हार्ट हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए। सेकेंड ड्रिंक के लिए 1 कप जिंजर जूस, 1 कप गार्लिक प्यूरी, 1 कप लेमन जूस और 1 कप ACV को मिक्स करके 30 से 40 मिनट के लिए मीडियम हीट पर कुक करें और मिक्स करते रहें। ठंडा होने पर इसमें 2 कप हनी ऐड करें और इस मिक्सचर को आप फ्रिज में 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो। रोज सुबह एम्प्टी स्टमक 1 चम्मच कंज्यूम करें। यह ड्रिंक आपकी आर्टरीज में प्लाक फॉर्मेशन होने से बचाएगा। इन ड्रिंक्स के साथ साथ यहां पे मैं आपके साथ 3 ऐसे आसन हैं जो कि शेयर करना चाहता हूं, जिनको अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में करोगे तो आपकी पूरी बॉडी में बेटर ब्लड सर्कुलेशन होगा और आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। पहला है यस्तिका आसन, जिसके लिए आप फ्लोर पर लेट जाएं ऑन योर बैक, ब्रीद इन करते हुए दोनों हैंड्स को पीछे ले जाएं और होल्ड करें फॉर 3 to 4 सेकेंड। पंजों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करके रखें। इसके बाद हैंड्स को स्टार्टिंग पोजीशन में वापस लें एंड कीप रिपीटिंग। दूसरा है पवन मुक्तासन, इसके लिए आप अपनी दोनों नीज को बेंड करेंगे, दोनों हाथों से अपनी नीज को होल्ड करें, स्लोली स्लोली अपनी चेस्ट की तरफ लाएं, जब मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाए वहां पे 3 से 5 सेकेंड होल्ड करें और उसके बाद आराम से रिलीज कर दें एंड कीप रिपीटिंग। थर्ड एंड लास्ट इज पश्चिमोत्तानासन, इसके लिए आप अपनी दोनों लेग को स्ट्रेट करके फ्लोर पे बैठ जाएं, दोनों पंजों को रखेंगे अंदर की तरफ और अपने हाथों से थंब को होल्ड करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि हमारा हेड जो है वो नी के क्लोज आ जाए। स्टे देयर फॉर 5 to 7 सेकेंड एंड उसके बाद आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं एंड कीप रिपीटिंग। नाउ लेट्स डिस्कस सम फूड आइटम जिनको डाइट में शामिल करने से हार्ट इश्यूज का खतरा कम रहता है। इफ पॉसिबल फिश को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, क्योंकि इसमें होते हैं भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए सबसे अच्छे होते हैं।
डार्क चॉकलेट को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करती है और इन्फ्लामेशन और स्ट्रेस को भी कम करती है। बस आपको इतना ध्यान करना है कि सबसे पहले तो इसको मॉडरेशन में खाएं, उसके बाद कोई भी अच्छी ब्रांड की ही आप डार्क चॉकलेट बाय करें जिसमें कि सैचुरेटेड फैट एंड शुगर बहुत कम मात्रा में हो। सिनेमन यानी दालचीनी, जो कि आपके ब्लड शुगर और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है एंड ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, इसीलिए दालचीनी को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करोगे तो बहुत फायदा होगा। गार्लिक खाने से भी आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि ये आपकी आर्टरीज को स्मूथ और फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छा रहता है और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। इसी के साथ ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत बेटर कर देता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। लो फ्लेम कुकिंग और ड्रेसिंग के लिए आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें होता है ऑलिक एसिड, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसी के साथ साथ ये आपकी ब्लड वेसल्स को हेल्दी बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग का खतरा कम हो जाता है। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करोगे तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वेजिटेरियंस के लिए फ्लेक्स सीड एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें होते हैं प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसीलिए आप फ्लेक्स सीड को डायरेक्टली या फिर ऑयल की फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के साथ आप थोड़े नट्स खाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि इनमें होते हैं गुड फैट्स। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि गुड फैट आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं और आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं। इसी के साथ इसमें होते हैं भरपूर मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट फूड आइटम जिसको कहा जाता है हार्ट हेल्दी सुपर फूड, वो है पालक, जिसमें आपको मिलेंगे भरपूर मात्रा में बी विटामिन कॉल्ड फोलेट, जो कि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं और रेड ब्लड सेल्स आपकी हार्ट को हेल्दी बनाए रखते हैं। वैसे तो सभी फ्रूट्स खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, बट अगर बात हो हार्ट हेल्थ की तो अनार एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। इसलिए आप कम से कम हफ्ते में 2 अनार या फिर 2 ग्लास अनार के जूस पीने की कोशिश करें। लास्ट फूड आइटम जो कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो है हल्दी, जिसमें एक कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन, जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और हल्दी आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसीलिए आप दिन में हल्दी को किसी भी फॉर्म में खाना शुरू करें। यह था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि हार्ट इश्यूज होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और उनसे बचने के लिए किस तरीके का हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। इस चैनल पे रियल कंटेंट मैं आप सभी लोगों के लिए बनाता रहूंगा, आपके समक्ष आता रहूंगा। टिल देन गुड बाय, नमस्ते।